फार्म का टेम्परेचर अभी इतना ज़्यादा हाई हो गया कि मेरा खुद का फार्म के अंदर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैं भट्टी से काफ़ी दूर बैठा हूँ और मुझे पसीने आ रहे हैं, लगभग पसीने में टपक रहे हैं। आप मेरे माथे को देख सकते हैं, पूरा ही भीग रहा है, इतना पसीना मुझे आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। मैंने जैकेट भी अपनी खोल ली है, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है अंदर। अभी ये भट्टी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बना रही है, यह पूरी अच्छे से जल चुकी है, तो ये टेम्परेचर बनाना शुरू कर गई इस भट्टी ने। और वो भट्टी जो है अभी हमारी टेम्परेचर थोड़ा सा लेट बनाएगी क्योंकि वो नई भट्टी है, तो नई भट्टी थोड़ा सा टेम्परेचर बनाने में टाइम लेती है, पर जब चालू हो जाएगी वो भी, तो वो भी काफ़ी अच्छा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग आर आर पोल्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे फार्म पे हमारे बच्चे को तीसरा दिन है और अभी दिन के 6 बज रहे हैं। हमने 3 दिन अपने फार्म पे बच्चों को मेडिसिन दे दी, जो मेडिसिन एक तो आपके एंटीबायोटिक हमने दी, जो स्टार्टिंग बच्चा जब आता है, जो हमने गुड़ का पानी बच्चों को दिया था और खाना सोडा दिया था साथ में बच्चे को, ताकि बच्चे का योग खुल सके, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। तो जिस भाइयों ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कि पहले दिन बच्चों को क्या क्या देना चाहिए, वो जाके मेरी पहली वीडियो को देख सकता है, उसके बाद में वो वीडियो ये वाली देखे, ताकि उसको ढंग से वीडियो पूरी समझ में आए। तो दोस्तों, आज बच्चे को तीसरा दिन है, आज रात का तीसरा दिन है, तो आज हमारी जो पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक जो मेडिसिन चलती थी वो कंटिन्यू सेम मेडिसिन थी, इसलिए मैंने 3 दिन की वीडियो शूट नहीं करी, वो डायरेक्टली तीसरे दिन की वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ जो मेडिसिन स्टार्टिंग में 3 दिन चलेगी वो मेडिसिन सेम अभी चलेगी। तो मेडिसिन हमारे जो है वो हम स्टार्टिंग में जब हम गुड़ का पानी और खाना सोडा हम दे देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम पे हमारे एंटीबायोटिक मैंने यूज़ करी थी, एंटीबायोटिक के साथ साथ में मैंने नीरी का यूज़ किया था, और आपके ये साथ साथ में मैंने एक स्ट्रेस वेल यूज़ किया था। ये मेडिसिन मैंने क्यों यूज़ की थी, एंटीबायोटिक आप लोगों को पता है हम क्यों यूज़ करते हैं क्यों यूज़ नहीं करते। नीरी मैंने इसलिए यूज़ की थी क्योंकि रात के टाइम सर्दी के टाइम पर बच्चा पानी जो है कम उठाता है, जिसके वजह से बच्चे के अंदर लीवर किडनी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती हैं, तो मैंने वो चीज़ की शिकायत ना बने इस वजह से मैंने एंटीबायोटिक का यूज़ किया था, ताकि बच्चा अच्छे से पानी उठाए और उसको इस तरीके ऐसी भी प्रॉब्लम ना आए। और दिन में हम जो है मेट्रोल चला रहे हैं, साथ में एक मेडिसिन और है, नई मेडिसिन आई है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं जो सुपरवाइज़र भैया आएंगे अभी, उन्होंने विज़िट नहीं किया था, एक बार वो आए थे जब उस टाइम पे मैं नहीं था, तब जब वो आए थे बीच में, अब वो कल आएंगे तो मैं कल उनसे पूछूंगा उस मेडिसिन के बारे में कि वो किस काम आती है। और अभी फ़िलहाल बच्चे हमारा सही चल रहा है, बीच में थोड़ा सा बच्चा हमारा जब पहले दिन जब आया था हमारे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हमसे भी हो गई थी, और थोड़ा बच्चा आया था वो भी ठंड में था, तो हमारे पहले 2 दिन मोरलिटी थोड़ी ज़्यादा हुई थी, अब थोड़ी मोरलिटी हमारे कंट्रोल में है, बच्चा भी ठीक चल रहा है। जो लूज़ हो चुका है बच्चा वो मर रहा है, क्योंकि उसको बचाना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और हमने अभी इस टाइम पे बच्चा मैंने आज अपना अच्छे से चेक करा, अभी लूज़ बच्चा बहुत कम है, इक्का दुक्का बच्चा अभी फार्म पर है, पर वो जाहिर से जो लूज़ हो चुके हैं वो जाएंगे उनको बचाना पॉसिबल नहीं है। ये फार्म पे हमारे बच्चे का है, इस टाइम पे हमारे बच्चे इस तरीके से खुलकर बैठे हुए हैं फार्म के अंदर, ये हर जगह पे बच्चे खुल के बैठे हुए हैं। हमने एक भट्टी अपनी और चालू कर ली है, क्योंकि अब रात के टाइम पे थोड़ा पारा पड़ने लग गया है, जिसके वजह से बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा सा इश्यू, कि 2 बजे के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, पारा पड़ रहा है और बहुत टेम्परेचर डाउन जा रहा था, तो एक भट्टी से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो हमने प्लानिंग की थी एक भट्टी की, वो इस ब्रूडर में जो अगर हमारा 10 दिन पहले बच्चा आता तो वो कामयाब हो जाता, पर बच्चा हमारा काफ़ी लेट हो गया है तो वो इतना कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक भट्टी और बढ़ा लें, तो हमने अपनी एक भट्टी और लगा ली। फिलहाल इस टाइम पे हमारे फार्म का टेम्परेचर 32 हो रहा है और अभी शाम के बज रहे हैं 6, जैसे जैसे रात होगी हमें अपना टेम्परेचर बढ़ाते जाना है, हमें अपना टेम्परेचर 35 तक लेके जाना है, ताकि रात को जब हमारा 2 बजे के बाद टेम्परेचर डाउन होगा उस टाइम पे हम उस टेम्परेचर को अभी से मेंटेन करेंगे, तो जब जाके हम टेम्परेचर को कंट्रोल रख पाएंगे, वरना अभी से हम अपना टेम्परेचर डाउन रखेंगे तो तब जब टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चा कोने में चुपक चुपक के बैठेगा, जैसे बच्चा अभी, ये बच्चा अभी खुलकर बैठा हुआ है, इस तरह से बच्चा नहीं बैठेगा, जब टेम्परेचर ऐसे ही गिरेगा तो बच्चा चुपक के बैठना शुरू हो जाएगा, अभी टेम्परेचर सही है फार्म का, तो बच्चा खुलकर बैठा हुआ है। आज मैंने अपने फार्म से जो हमने डबल छत डाली थी, जो कि मेरे ऊपर ही लग रही है, मैंने कहीं कहीं से इस छत को खुलवाया है, वो खुलवाया इसलिए क्योंकि आज फार्म पे बच्चों का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में बच्चों में जो है खुद भी अमोनिया गैस बच्चा बनाता है, या आप सब लोगों को पता है, जिस लोगों को भाइयों को जो मेरे बिगिनर भाइयों को नहीं पता वो जान ले, बच्चा भी अमोनिया गैस अपनी बनाता है, और जो हम भट्टियाँ चलाते हैं इसका धुआं भी अमोनिया गैस बनाता है, तो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फार्म के अंदर अमोनिया गैस बन रही थी। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इस तरह की चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम इसको खोलना पड़ेगा, ताकि आपके फार्म पर अमोनिया गैस ना बने। अमोनिया गैस बनने से होता क्या है, आपका जो बच्चा है उसको एक तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी,
कोई बीमारी आपको दिखेगी नहीं और बच्चा लंबी लंबी सांस लेगा और फिर मर जाएगा। मेरे फार्म पे एक दो बच्चे ऐसे हैं, मैं आप वीडियो में आपको साइड में शो कर दूंगा, जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे, ये लंबा लंबा बच्चे सांस ले रहा है, तो ये अमोनिया गैस के चपेट में आ गया है। और इसी से पता चला कि हमारे फार्म पर अमोनिया गैस काफ़ी ज़्यादा बन रही है। अब कई लोगों के माइंड में आएगी कि अगर वो अमोनिया गैस को पहचाने कैसे कि फार्म पे अमोनिया गैस है और बन रही है तो कैसे पहचाने। तो अमोनिया गैस पहचाने का सीधा तरीका है कि आप जब ऐसे ऐसे लंबी सांस लेंगे तो आपके मुंह में ठंडा सा लगेगा, और वैसा आपको महसूस नहीं हो रहा है तो आप फार्म पे आपको या तो धुंधलापन दिखाई देगा, धुंधलापन भी दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखों में जलन या मिर्ची लगेगी, तो समझ जाना फार्म पे अमोनिया गैस बन रही है। तो उस टाइम पे आपको ये एक्शन ज़रूर लेना है। ये इस तरीके से हमने अपने फार्म को जगह जगह से खोल रखा है, आप देखो ये आपको ऊपर धुआं नज़र आ रहा होगा, ये पन्नी से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि धुआं जो है हमारे नीचे नहीं आ रहा है। ये देखो कितना धुआं है, ये धुआं डायरेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, जैसे बच्चों में धुआं नहीं लग रहा है, ये धुआं ऊपर ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम जब भट्टी चालू करते हैं तो धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे भी धुआं ऊपर जा रहा है और यही अमोनिया गैस को बनाने का मेन कारण होता है। ये अब नाइट की रूटी की तैयारी हो गई है, चारपाई हमारे भाई ने अंदर डाल दी है, ये चारपाई डाल ली है, वो अपने यहाँ बिस्तर लगाएगा। अब नाइट की रूटी की तैयारी हो गई है, हाथ से है वो अपनी ड्यूटी देंगे, क्योंकि ये सही तरीका है फार्म के अंदर रह के ड्यूटी देने का, ताकि जिससे आप एक तो आलस में नहीं आते हो, जब फार्म के अंदर से ड्यूटी देते हो तो आप बिल्कुल भी आलस में नहीं आओगे। टाइम पर सबसे ज़्यादा शिकायत ये सुनने को मिलती है कि आँख लग गई, हमें नींद आ गई, और इसी के वजह से फार्म का टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि भट्टी हमारी बंद हो जाती है, हम सो जाते हैं, नींद में आ जाते हैं, चाहट सी लगाते हैं, पूरी रात जगते हैं। हमारे फार्म पर दो हैं, दो हम दो हमारे दो जने हैं, दो मेरे भाई हैं जो मेरे फार्म को हैंडल कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी लोड सर्दी में इतना बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दी में पूरी रात जगना होता है। शिफ्टिंग वो दोनों देते हैं बराबर, दोनों की बराबर बराबर शिफ्टिंग है, एक आपका 2 बजे तक शिफ्ट देता है 2 बजे के बाद, दूसरा जो है वो 2 से 4 सुबह के 6 बजे तक शिफ्ट देता है। इससे ये होता है कि दोनों की नींद रात की पूरी जाती है, पर रात सुबह के टाइम पर फिर दोनों मिलकर फार्म दोनों बच्चों को देखते हैं, और मैं आज इसलिए फार्म पर रुक रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आज फार्म की कंडीशन। अभी ये क्या? फिलहाल बच्चा है हमारा, बड़े आराम से बैठा है। अभी ये अखबार है जो ये मेरे से नीचे पड़े हैं, काफ़ी गंदे हो गए, इन्हें हम कल यहाँ से उठवा देंगे। और ये बच्चा है टोटल हमारा जो आराम से खुलकर बैठा है अभी इस टाइम। तो इस टाइम फार्म का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, फार्म का टेम्परेचर अभी इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि मेरा खुद का फार्म के अंदर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैं भट्टी से काफ़ी दूर बैठा हूँ और मुझे पसीने आ रहे हैं, लगभग पसीने में टपक रहे हैं, आप मेरे माथे को देख सकते हैं पूरा ही भीग रहा है, इतना पसीना मुझे आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। मैंने जैकेट भी अपनी खोल ली है, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है अंदर। तो चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग नई वीडियो पर।